उस जादुई चीज, उस जादुई पिटारे में है कुछ मजेदार सी अनोखी सी चीज। मैं दिखाने वाली हूँ क्योंकि मैंने तो किया है डिसाइड। आप देखते हैं उस जादुई पिटारे में से क्या निकलता है, तो दिखाओ। yes! ये रहा मेरा जादुई पिटारा। इसलिए है सर्दियों में जो हम गरम गरम सूप पीते हैं ना, वो सूप को बनाते हैं हम इस टमाटर से। आज मेरी मम्मी ने मुझे बोला, दीदी अब बहुत अच्छी लड़की हो, तो मेरी मम्मी ने सुबह मुझे दी एक ये कौन आया मेरे पिटारे से, गुलाब का। किस रंग का फूल है? संज्ञा भाषा की विशेषता बता रहा है, तो
एक विशेषण है। क्या ये सही है? भाषा किसी व्यक्ति का नाम है और इसकी विशेषता भी जा रहा है। यहाँ शब्द आप बताइए भाषा क्या है? किसी व्यक्ति का नाम, लेकिन वो कहाँ जा रहा है? चिड़ियाघर। क्या है स्थान? स्थान। लेकिन उस स्थान की विशेषता किस शब्द से पता लग रही है हमें? तो इस वाक्य में विशेषण शब्द क्या होगा? क्योंकि वो कैसे चिड़ियाघर में जा रहा है? बड़े चिड़ियाघर। इसको आगे प्रारंभ करते हैं। बड़ा चेक करते हमारा आंसर ठीक है। नहीं बारे में अधिक बताता है। यहाँ बड़ा विशेषण है। सही जवाब। गुड। अति उत्तम। भाषा को लंबे जिराफ से प्यार है। विशेषण शब्द लंबा संज्ञा जिराफ की विशेषता बता रहा है। उन्हें गुलाबी राजहंस भी पसंद है। विशेषण गुलाबी संज्ञा राजहंस की विशेषता बता रहा है। तो रंगों का उपयोग विशेषण के रूप में भी किया जा सकता है। पाशा ने नई शर्ट पहन रखी है। चलिए बताते हैं यहाँ पर विशेषण शब्द कहा नई, क्या ये सही है? लेकिन ये जो नई शब्द है ये किसकी विशेषता बता रहा है? पाशा की या उसकी शर्ट की? तो पाशा नाम के बच्चे ने जो शर्ट पहनी है उसकी विशेषता क्या है? कि वो नई है। अति उत्तम मेरा बच्चा। विशेषण नई संज्ञा शर्ट की विशेषता बता रहा है। शर्ट में दो पॉकेट है। संख्या दो संज्ञा जेब के बारे में बता रहा है। तो संख्याओं का उपयोग विशेषण के रूप में भी किया जा सकता है। विशेषण हमें एक व्यक्ति, एक स्थान, जानवर या एक वस्तु के बारे में अधिक बताता है। यानी जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता, क्वालिटी, रंग, कलर, चरित्र, कैरेक्टरिस्टिक्स, स्थिति, स्टेट आदि बताते हैं, उन्हें विशेषण कहते हैं। देखिए, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता, क्वांटिटी, मेरे पास कितने चौक हैं? एक। तो इस चौक की विशेषता ये तो है कि वो सफेद है, लेकिन वो संख्या में कितना है? एक। तो ये उसकी विशेषता। रंग किस रंग का है? सफेद। तो ये इसकी विशेषता है। चरित्र कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब उस चीज में क्या गुण है, अभी कैसा है, हल्का या भारी, हल्का, छोटा या बड़ा, बड़ा, राइट। आदि बताते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? विशेषण। और इसको अंग्रेजी भाषा में क्या कहते हैं? एडजेक्टिव्स। अब एक क्वेश्चन आने वाला है यहाँ पर, तैयार? अरे ये कौन आया? घोड़ा। घोड़ा शब्द क्या है? संज्ञा। क्यों? क्योंकि ओके फाइन। घोड़े की विशेषता कौन बताएगा? हाँ आप बताइए। ब्राउन। ब्राउन, इसको अंग्रेजी भाषा में तो ब्राउन कहते हैं, हिंदी भाषा में क्या कहते हैं? भूरा। ओके। अरे वाह, दूसरे नंबर पर तो वही है जो हमारे पिटारे से निकली थी। तो इस मिर्ची की विशेषता तीखी, लाल, लाल, हरी, हरी, चटपटी, चटपटी। आया तोता। तोता संज्ञा शब्द विशेषता हरा। हरा तोता लाल मिर्ची खाता है। मिर्ची खाने वाला। अच्छा अब देखते हैं नीचे बड़ी मजेदार सी चीज आने वाली है। तितली। अब तितली की विशेषता? सुंदर। सुंदर, छोटी, छोटी, रंग बिरंगी। और ये यस अगला चित्र है उसका, जिसमें बैठकर हम सुबह फटाफट विद्यालय पहुंच जाते हैं। क्या है ये? बस की विशेषता? अति उत्तम। आपने इनकी विशेषता बताई क्योंकि ये है संज्ञा शब्द, और आपने मुझे बताया कि मैम ये बस बड़ी
पीली, सुंदर, विशाल, ये आपने उसकी विशेषताएं बताई। तितली हरी, सुंदर, रंग बिरंगी, प्यारी, ये आपने उसकी विशेषताएं बताई। इसका मतलब जो भी शब्द हमें संज्ञा शब्द की विशेषता बताएगा वो शब्द क्या कहलाएगा? विशेषण। तो क्या मैं कह सकती हूँ कि लाल शब्द विशेषण शब्द है? चटपटी, स्वादिष्ट, नन्हा और छोटा। स्कूल आते हैं तो कभी कभी लगता है पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा सा खेल भी होना चाहिए। तैयार हो एक खेल खेलने के लिए? अच्छा और देखते हैं क्या है ये। इस खेल का नाम है मैं चुनूंगा सही विशेषण, ठीक। और इस खेल के नियम ये है कि जब आपको प्रश्न आपकी स्लाइड पर दिखेगा तो आपको उस प्रश्न को सबसे पहली चीज ध्यान पूर्वक पढ़ना है, और अगर आपको उसका उत्तर आता है तो आप हाथ उठाकर टीचर का वेट करेंगे, वो आपसे उसका आंसर देंगे। क्लियर? शुरू करें अपना खेल। इसकी विशेषता क्या है? गोल गोल घूम रहा है। चलिए भार्गव।
भार्गवी, भार्गवी क्या है? किसी का ना, भार्गवी। ओके, आपने बताया किसी का ना। अब आपने अपने दोस्त की जो विशेषता बतानी है वो बताइए। गोरी। वाह, इट्स अ कॉम्प्लीमेंट, गोरी। अच्छा, और क्या विशेषता है इसकी? थोड़ी सी शैतान। ये बिल्कुल सही विशेषता, शैतान। शैतान कभी कभी करनी चाहिए। चलिए अब मैं पूछती हूँ, अनीशा बताइए। आपके दोस्त का नाम है तने, क्योंकि वो किसी व्यक्ति का नाम है। अब इसकी कोई दो विशेषताएं। अच्छा और मेहनती। तने, तुम्हारी ये जोरदार तालियां। अच्छा और मेहनती। अब अगली बारी आएगी बानिया। नायरा। ओके, नायरा विशेषण शब्द है या संज्ञा? उत्तर नहीं देना। संज्ञा। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति का नाम है। अच्छा, तो अब उसकी जल्दी से दो विशेषता बता दो। नायना। अच्छा, नायना। शैतान। शैतान, ये तुम्हारे सारे दोस्तों में एक विशेषता प्रमुख है, शैतान। अच्छा चलो, शैतान है वो। और क्या है? क्यूट। अब क्यूट को हिंदी भाषा में क्या कहेंगे? प्यारी। प्यारी। मेरा सबसे मुश्किल सवाल, क्या ध्यानपूर्वक सुनिए आप मेरा प्रश्न। क्या दुनिया में जितने भी संज्ञा शब्द, जैसे किसी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, स्थान का नाम, क्या सबकी कोई ना कोई विशेषता होती है? अच्छा, तो बताओ जरूरी नहीं है। जो अच्छा पक्का, जिनको लगता है कि विशेषता होती है हाथ उठाइए। अब जिनको लगता है कि हर चीज की विशेषता नहीं होती वो हाथ उठाइए। जरूरी नहीं है कि किसी किसी की हो और सबकी सबकी। अच्छा ठीक है, ये गुलाब का फूल है जो हमें खुशबू देता है, कागज से बना है, ये इसकी विशेषता है। ये किस रंग का है? लाल। इसकी विशेषता ठीक, लेकिन ये हमें खुशबू दे रहा है, ये इसकी विशेषता। लेकिन कूड़ेदान जो स्टिंक करता है, लेकिन उसकी क्या विशेषता है? बदबूदार। उस विशेष चीज की एक ऐसी क्वालिटी या ऐसी विशेषता जो उसे बाकियों से अलग करती है, उसे कहते हैं उस संज्ञा शब्द के लिए प्रयोग किया गया विशेषण शब्द। अब तीन तक गिनती गिनेगी मैम और सब एकदम दीवार की तरफ, ऊपर छत की तरफ देखेंगे। एक दो तीन। छत पर कुछ दिख रहा है जो सफेद रंग का है, एक विशेषता तो मैंने बता दी। आप बताइए इसकी, मैं जिससे पूछूंगी वो बच्चा इसका उत्तर देगा, इसकी कोई दो विशेषता। भव्य, पंखे की कोई दो विशेषता? पंखा सफेद है। सफेद, अति उत्तम। बड़ा है। गुड। गर्दन नीचे। ये रहा दरवाजा, इसकी दो विशेषता है। आकाश, इस पे कुछ और भारी। अति उत्तम। इसकी क्या विशेषता है? विशेषता, ये बहुत ताकतवर है। ताकतवर, बहुत है। और छोटा है, बड़ा है, लंबा है? बड़ा है। लंबा है। गुड। अति उत्तम। अब टीचर किसी चीज पर कक्षा में आने के बाद बैठती है, उसे कहते हैं कुर्सी। कुर्सी की विशेषता प्रियांशा? मजबूत और हल्की है, भारी। तो इसका मतलब जिस भी वस्तु को आप संज्ञा कह रहे हैं, चाहे वो किसी व्यक्ति का नाम है, वस्तु का नाम है, स्थान का नाम है, प्राणी का नाम है, उसकी जो भी विशेषता है वो शब्द हमारे कहलाते हैं विशेषण शब्द। या तो विशेषण शब्द से हम जान पाते हैं किसी भी वस्तु के बारे में, चाहे वो सकारात्मक मतलब पॉजिटिव है या नकारात्मक या नेगेटिव। क्लियर? अब शैतान शब्द जो है वो पॉजिटिव वर्ड में है,
लेकिन वो क्वालिटी है, ठीक है, उस बच्चे में अगर ये शैतानी का गुण है तो वो भी उसको बाकियों से अलग करता है। ठीक, तो इस प्रकार आज जो हमने जाना विशेषण के बारे में, उसको आप एक ग्रह कार्य द्वारा पूर्ण करें, करें बताएं। आज जब हम घर जाएंगे, कोई बच्चा बस से जाता है, किसी को मम्मी लेने आती है, किसी को दादी लेने आते हैं, लेकिन जाते जाते हम अपनी उत्तर पुस्तिका को अपने हाथ में रखें, सारा सामान बैग में डालकर उस नोटबुक को अपने हाथ में रखेंगे और आसपास जितनी चीजें हैं हमारे, हम उन सब चीजों का नाम मतलब संज्ञा लिखते हुए जाएंगे। हम बस में बैठे हैं, हमने देखा अरे दूसरी बस जा रही है, तो जल्दी से हम लिखेंगे बस। फिर हम सोचेंगे कि जो मैंने बस देखी थी उसकी क्या विशेषता है, अगर वो बड़ी है, छोटी है, पीली है, नीली है, भारी है, हल्की है, किस प्रकार की है, हम उसके बारे में विशेषण शब्दों को लिखें। और खास बात यह है कि आप एक से ज्यादा विशेषण शब्द भी लिख सकते हो उस संज्ञा शब्द पे, और जो बच्चा ज्यादा से ज्यादा संज्ञा शब्दों को लिखकर उसके विशेषण शब्दों को लिखेगा, उस बच्चे को इसका मतलब उस विषय की पूर्ण जानकारी होगी। और कल हम खेलने वाले हैं एक मजेदार सा गेम, लेकिन उस खेल की गेम की खासियत ये है कि हम क्लास में स्मार्टफोन पर नहीं खेलेंगे, हम कहाँ खेलने वाले हैं, ग्राउंड में। तो तैयार होकर आना और मैदान में, और तैयार होकर आना इस विषय का अभ्यास करके आना, ताकि आप जान पाओ इस विषय को और अधिक अच्छे से गहराई से। तो अब विशेषण सब सबको क्लियर हो गया, किसी को कोई प्रश्न पूछना है तो वो पूछ सकता है। हाँ जी, बताओ, बताइए बताइए, हाँ बताओ। ओके, और उसकी क्या विशेषता है, आर्टिस्ट, आर्टिस्ट कलाकार, अच्छा, और लड़की, लड़की होना उसकी विशेषता है, अरे वाह, लड़की होना विशेषता है, लड़की होने से क्या पता चलता है कि वो किस लिंग, लेकिन हम आज किस विषय पर काम कर रहे हैं, विशेषण। अब आंखें बंद करिए जल्दी से सब, आंखें खोलो। उस पर्ची में मैम लिख रही है एक शब्द, और जो मैं विशेषण लिखूंगी उससे जुड़ी हुई आपको चीजों के नाम बता दें। उदाहरण के तौर पर एक चिप पर मैम ने लिखा हरा, हरा, अब हरा शब्द क्या है, विशेष, ये देखो, अब मैम ने लिखा हरा, अब हरा शब्द का कौन कौन सी चीजें हैं जो रंग हरे की होती है, बताओ, मिर्च, पौधा, पेड़ पौधे, अच्छा से। चलो दूसरी पर्ची, तैयार हो, कुछ मुश्किल से पूछूं, मैम ने अगला शब्द लिखा मजबूत, कुर्सी, कुर्सी, दरवाजा, दरवाजा, गुड, लेकिन अब आप मुझे एक बात बताइए, मजबूत शब्द तो विशेषण है, तो आप मुझे क्या बता रहे हैं, तो आपने मुझे बताया संज्ञा, और उससे जुड़े हुए विशेषण शब्द को मैंने आपको हिंट दिया, और आपने मेरे को उससे जुड़े हुए संज्ञा शब्द बताया, तो इसका मतलब कोई बच्चा, मैं पूछती हूँ आपसे, आप बताइए विशेषण आपको क्या समझ में आया इस विषय से, भाग्य जी, विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण उन सबको कहते हैं जो संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। उदाहरण जैसे कि पेड़ पौधे, पेड़ पौधे एक संज्ञा शब्द तो है, तो उसकी विशेषता क्या है, हरा, हरा एक विशेषण है। अब इनसे बढ़ते हैं एक कदम आगे, ठीक, आपको एक खास चीज, एक
नई चीज मैं मान बताने वाली हूँ। आपने कहा कि ये संज्ञा शब्द और ये उनकी विशेषता बताने वाले शब्द जिन्हें हम क्या कहते हैं, विशेषण। लेकिन एक और शब्द होता है जिसे हम कहते हैं विशेष्य। क्या कहते हैं, विशेष्य। और इसकी खास बात ये है, ये आपको पता है, लेकिन इसकी खास बात ये है कि हम सिर्फ इसका नाम बदल रहे हैं। आपने कहा ये क्या था, टमाटर। किस रंग का था, लाल। मैम ने कहा लिखा लाल, लेकिन लाल रंग का है क्या, टमाटर। क्या है, टमाटर। तो आप मुझे बता सकते हो कि अब आपको इस शब्द से क्या समझ में आया। मैम जो चीज के बारे में विशेषण बता रहे होते हैं उस चीज को विशेषण कहते हैं। इसका मतलब अति उत्तम, इसका मतलब विशेषण तो लाल है, लेकिन क्या चीज है जो रंग लाल की है, टमाटर। इसका मतलब जो शब्द जिसे हम अभी तक संज्ञा शब्द कह रहे थे ना, उसको विशेषण की पढ़ाई जब हम करते हैं, जिस विषय के बारे में हम जानते हैं, तो हम कह सकते हैं कि जिस शब्द की हम विशेषता बता रहे हैं, जिस शब्द की विशेषता, उसे हम कहते हैं विशेष्य, और जो हम विशेषता बता रहे हैं उसे विशेषण। अच्छा जल्दी बताओ, ये इसकी विशेषता क्या बताई थी, नीची। लेकिन इसमें विशेष्य क्या है, चॉकलेट। इसमें विशेष्य क्या है, छोटा। विशेष्य का, और इसकी विशेषता छोटा। नन्हा, प्यारा। इसमें विशेष्य क्या है, विशेष्य। विशेष्य मिर्च, ओके। और इसकी विशेषण लास्ट वन चॉकलेट। तो इसमें विशेष्य क्या है, चॉकलेट। और इसकी हमने क्या विशेषता बताई, छोटा। ठीक, तो इसका मतलब जो शब्द विशेषण के बारे में हमें जो जानकारी, जिसके बारे में हम उसकी विशेषता बता रहे हैं, उन शब्दों को हम कहते हैं विशेष्य शब्द। क्लियर, क्लियर टू एवरीवन। अब हम इस विषय का जो गृह कार्य आपको दिया उसका प्रयास करेंगे, और कल हम इस विषय पर एक जो गतिविधि, जो एक्टिविटी मैम ने बोला, उसको करने के लिए हम उपवन में जाएंगे। उपवन मतलब उपवन का हिंदी है दूसरा पर्यायवाची बाग और बगीचा, बगीचा। तो अब हम कल इस विषय को फिर से एक गतिविधि द्वारा पूर्ण करने का प्रयास करेंगे, लेकिन उसके लिए घर जाकर निकालें, हर चीज को बहुत ध्यान से देखना, लिखना। और अब एक और नया हमें चीज पता लगा, दैट इज विशेष्य। तो अब आप बस जब शब्द लिखेंगे तो आप संज्ञा नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, विशेष्य। और अगर बस सुंदर होगी तो कहां लिखेंगे, विशेष्य। ठीक है, तो आज की कक्षा में जो हमने सीखा उसमें एक और चीज, अब विशेष्य और विशेषण सबको स्पष्ट हुआ। हाँ जी मैम, आपने बोला हमको किसमें लिखना है, आपको एक कागज पर लिखना है। ठीक, अब हमने सोचा कि हम विशेषण का अर्थ जान पाएंगे, क्या हम जान पाए, क्या हम जान पाए, क्या हमें विशेषण का महत्व तो समझ में आया, क्या हम उसे बता सकते हो उसका क्या महत्व है, क्यों हमने पढ़ा, ताकि हम अपने फ्यूचर में किसी भी चीज, अगर कोई हमसे पूछे कि उसकी विशेषता बताओ, तो हम उसकी विशेषता बता पाए। अति उत्तम, अति उत्तम। और कोई, और कोई इस प्रश्न का उत्तर करना चाहता है, हाँ आप बताइए। अच्छे से कोई मुझसे पूछेगा कि फूल की विशेषण का अर्थ और विशेषण का महत्व। लेकिन आगे बोलू अच्छा, आप बताते
हैं जिस विषय के अंतर्गत हमने ये विशेषण पढ़ा वो विषय कौन सा है? हिंदी। 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 क्या आप मुझे कुछ विषयों के नाम बता सकते हो हिंदी भाषा में? पर्यायवाची शब्द। विषयों के नाम हम जो भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं। विज्ञान। विज्ञान। गणित। गणित। अंग्रेजी। अंग्रेजी। ओके, अब आप सब अपनी नोटबुक निकालिए, जल्दी से नोटबुक निकालिए सब, एंड करते हैं शुरुआत एक एक्टिविटी। जल्दी से आप कोई भी नोटबुक अपनी निकालिए, रफ नोटबुक भी निकाल सकते हैं, निकालिए। अब उसमें आपको अपने मन पसंद विषय की कोई भी दो बातें लिखनी है। अगर आपका मनपसंद विषय गणित है तो आप उसकी दो मुख्य बातें क्या लिख सकते हैं? तो मुझे बता सकता है ये सीक्रेट, गणित पढ़ने से क्या लाभ होता है, ये भी उसकी विशेषता है। हाँ बताइए। बच्चे हैं, ये आपकी विशेषता है। सो हां जी।